हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको केवीएस से जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकली गई है उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें कि टीजीटी, स्पोर्ट्स कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीआरटी और यहाँ पे निकाली गई है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो लगभग हमारे सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली ही गई है। अगर हम टीचर बनना चाहते हो उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, अगर हमें स्पोर्ट्स कोच में बनना हो उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, और अगर ऑपरेटर बनना है तो उसके लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए हम वन बाय वन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन को देते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है और ये कहाँ से निकली है, इसके लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, हमारी सैलरी क्या होनी चाहिए, हम क्या इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लगभग मेरे सारे फॉलोअर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 2/3/2022 यानी कि 2 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो जाएगा, और इसका इंटरव्यू डेट है वो हमारा जो है 8 मार्च 2022 को इंटरव्यू रखा गया है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसीज आई है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस से ही वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसकी जो हम एज लिमिट की बात करते हैं तो हमारा इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया होता है अगर हम 18 to 65 ईयर्स के होते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एज इसका 18 है और इसका हाइएस्ट एज जो है वो 65 ईयर्स है। तो अगर हम इसके बीच में आते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट इसमें टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के लिए है। तो इसमें हमारा जो है क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंडरी क्लास बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड एंड सीटेट पास होने चाहिए। सीटेट इस यहाँ पे मैंडेटरी दे दिया गया है कि इसमें मस्ट बी क्वालिफाइड। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसीज है हमारी स्पोर्ट्स कोच की, जिसमें खो खो, हैंडबॉल्स, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल्स, टेनिस एक्सेट्रा के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसमें हमारा बीपीएड एंड एक्सपीरियंस एज स्पोर्ट्स कोच इन द रिलेवेंट फील्ड से हमारा अगर होता है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर एमएससी आईटी से होना चाहिए, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, डिजायरेबल टीचिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो इसमें हमारा पोस्ट है पीआरटी टीचर के लिए। तो इसमें हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और इट्स रिलेवेंट एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इसमें हम 12th पास होने चाहिए और उसके साथ साथ डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसके बाद डिजायरेबल कर दिया गया है कि सीटेट, इसमें सीटेट पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर और लास्ट पोस्ट की। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है हमारा, फर्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है हमारा वो है हमारा 12th पास होने चाहिए, उसके साथ टाइपिंग स्पीड हमारा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो थर्ड नंबर का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें हम वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हमें आना चाहिए, डिजायरेबल इसमें कर दिया गया है डीसीए, यानी कि आपको एक डीसीए का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 12th पास, उसके साथ साथ डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें डीसीए सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली, इसमें टैली का नॉलेज बेसिक से एडवांस तक मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। तो ये जो है इसमें देखिए कोई भी फेक नहीं है, ये देखिए रियल है, और इसका हमें कोई भी और नोटिफिकेशन आता है तो मैं उससे आपको इन्फॉर्म करा दूंगी। तो इसमें जाते जाते मैं बता देती हूँ कि इसका जो है इंटरव्यू डेट
वो 8 मार्च को है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि ये केवीएस के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि हम लोग या तो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, या तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो, या फिर केवीएस में टीचर बनना चाहते हो, या फिर डीएवी में। तो इस सब के लिए हम जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म करते जाती हूँ। तो अभी तक किसी ने आपको सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक अधिक से अधिक शेयर करिए।